हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजॉय द फूड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मारवाड़ी स्टाइल ग्वार फली व कुमटिए की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने लिए सूखी ग्वार फली और कुमटिए। देखिए ये उबले हुए हैं, इसके साथ ही कैर को भी उबाल लिए हैं। इसमें ये काचरा भी डालेंगे। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल गरम होने के बाद उसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 से 3 कटी हुई साबुत लाल मिर्च। लहसुन को थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। फिर इसके अंदर डालेंगे उबले हुए कुमटिए, कुमटिए को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। फिर इसके अंदर डालेंगे भीगे हुए कैर, उबली हुई ग्वार फली डालकर इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम डालेंगे इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ काचरा डालकर सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालकर सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारी सब्ज़ी का कितना अच्छा कलर आया है और ये खाने में उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी और डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसे 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर अच्छे से पका लेंगे। 5 मिनट बाद ढक्कन हटाकर देख लेंगे कि हमारी सब्ज़ी अच्छे से बनकर तैयार हुई है कि नहीं। ये देखिए हमारी सब्ज़ी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है, इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। ये देखिए दिखने में कितनी सुंदर दिख रही है, खाने में भी इतनी अच्छी बनी है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। आप इसे बाजरे की रोटी के साथ या फिर गेहूं की रोटी के भी साथ खा सकते हैं। मैंने ये सब्ज़ी पहली बार बनाई है, इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं आपके साथ शेयर करूँ। और ये बहुत ही कम मसाले में बनकर तैयार हुई है, इसमें ज़्यादा कोई मसाले नहीं डाले मैंने। आप ये रेसिपी घर पे बना के ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।